लोगों के लिए अलग अलग एमएडीसी के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए कौन कौन से एमएडीसी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ पे दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके कोड फील के अकॉर्डिंग आपको जॉब वैकेंसी देखने को मिलती है, अच्छी कंपनी देखने को मिलती है, अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। वैसे तो दोस्तों पुणे के अंदर बहुत सारे एमएडीसी हैं, मैं कुछ एमएडीसी के नाम भी बताऊंगा, कुछ क्या मैक्सिमम एमएडीसी का नाम बताऊंगा, नामी नामी एमएडीसी का नाम बताऊंगा दोस्तों। और अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, या फिर बीटेक वालों के लिए, या फिर दोस्तों आईटी वालों के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा एमएडीसी, जितने भी एमएडीसी हैं, मैक्सिमम एमएडीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, आईटी वालों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक से एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर पुणे डिस्ट्रिक्ट है और पुणे एक ऑटोमोबाइल कंपनियों का हब है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी है, यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और ऑटोमोबाइल कंपनियों से भरा पड़ा है। मतलब पुणे एक रोज़गारों के लिए एक सबसे बेस्ट जगह है दोस्तों, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में कंपनी है और बहुत सारे एमएडीसी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक एमएडीसी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों चाकन एमएडीसी। चाकन एमएडीसी है दोस्तों जो कि नानेकर वाड़ी में पड़ता है, और ये दोस्तों इसके आसपास कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के अराउंड कम से कम हज़ार की संख्या में कंपनी पड़ी हुई है। बहुत सारे कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा हो गया, फोर्स मोटर हो गया, अशोक लैलैंड हो गया, उसके बाद भी और भी कंपनियां हैं, ग्रुप एंटोलिन हो गया, फ्लैक्स हो गया, सिग्मा हो गया, एफटी हो गया, इतनी कंपनियां हैं दोस्तों, मैं आपको एक बार में नाम बता नहीं सकता, इतनी कंपनियां हैं दोस्तों। और यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए भर्ती निकलती रहती है, 14,000 15,000 16,000 सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है, ऑनरोल भी होती है, ट्रेनिंग बेस भी रहती है। तो ये हो गया चाकन में एमएडीसी, और चाकन के आसपास भी बहुत सारे और भी छोटे छोटे जगह हैं दोस्तों, जैसे कि महालुंगे हो गया, महालुंगे फाटा के आसपास भी बहुत सारे कंपनियां हैं दोस्तों। इसके अलावा चाकन के और महालुंगे के और आसपास में जाते हैं निगोजा जगह है, निगोजा में भी दोस्तों सैकड़ों कंपनियां हैं। इसके अलावा और भी कंपनियां दोस्तों, सिर्फ मैं चाकन एमएडीसी के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद भी और कंपनी के बारे में बताऊँगा और एमएडीसी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं फोकस किया हूँ एमएडीसी के बारे में। चाकन एमएडीसी के बाद मैं फोकस करूँगा रंजनगांव एमएडीसी के बारे में, उसके बाद मैं फोकस करूँगा हिंजौड़ी के बारे में, उसके बाद दोस्तों मैं फोकस करूँगा आपका उड़से के बारे में, उड़से भी एक एमआईटी से दोस्तों, उसके बाद मैं आपका आपको बताने की कोशिश करूँगा निगरी के बारे में दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब एमआईटी के बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ों के बारे में बताऊँगा, और खास करके अलग अलग टेक्निकल वालों के लिए, अलग अलग फील्ड वालों के लिए। तो ये चाकन है दोस्तों, सबसे पहले मैं चाकन के बारे में देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपनी हैं, जहाँ पे गेट थ्रू वैकेंसी चलती रहती है, किसी न किसी गेट पे जाओगे तो आपको जॉब देखने को मिल जाएगा। तो ये चाकन है दोस्तों, आप पुणे स्टेशन उतरते हो तो भोसरी आ जाओ, और भोसरी से उतरने के बाद चाकन आ जाओ, और यहाँ से कंपनी सर्च करना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आपको जॉब लग जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह है चाकन दोस्तों। तो और उसके बाद आता है दूसरा एमएडीसी आता है दोस्तों रंजनगांव। रंजनगांव में भी दोस्तों बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे आपका हो गया वायरपुल हो गया, हेयर हो गया, जाबिल हो गया, एलजी हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सब कंपनियां हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सबसे बेस्ट जगह रंजनगांव ही है। मैं बहुत सारे कंपनी वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, एक एक कंपनी पर आपको पीछे का वीडियो देख सकते हो, आपको रंजनगांव पे बहुत सारा मैं वीडियो बनाया दोस्तों, जैसे कि आप एलजी के ऊपर फुल डिटेल्स है, जाबिल के ऊपर फुल डिटेल्स है, हेयर के ऊपर फुल डिटेल्स है। तो बहुत सारे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, साथ साथ मैकेनिकल कंपनी भी है और ऑटोमोबाइल कंपनी भी है। तो आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पर जाओगे तो आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा। तो रंजनगांव में और भी, मैं सिर्फ बताया जो भी मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही कंपनी है, और भी कंपनी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो आपको एक से एक बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों पुणे से आप कहीं से भी आते हो तो रंजनगांव के लिए बस वगैरह पकड़ लो, आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जा सकते हो। रंजनगांव में भी टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनियाँ हैं दोस्तों, इसके अलावा आईटीसी सिगरेट बनाने वाले कंपनी है, फूड इंडस्ट्री है दोस्तों, मैकेनिकल कंपनी में और कंपनी का नाम अगर बताऊँ तो बिकाट हो गया, विल्स इंडिया हो गया, करारा हो गया, जहाँ पे दोस्तों 17,000 से 18,000 आपको एज ए शुरू में आपको देखने को मिलता है, एज ए फ्रेशर को मिलता है। बहुत सारे कंपनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड से रिलेटेड बहुत सारे कंपनी आपको रंजनगांव में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं हिंजौड़ी की बात करते हो दोस्तों, हिंजौड़ी में दोस्तों आईटी वालों के लिए
बहुत सारे कंपनियां हैं। अगर आप दूसरे भी स्टेट से हो तो आपका प्लेसमेंट वगैरह होता है तो आपको हिंजोड़ी में जॉब देखने को मिलता है, चाहे आपका विप्रो हो गया, चाहे इन्फोसिस हो गया, चाहे कॉग्निजेंट हो गया, या फिर टेक महिंद्रा, या फिर TCS वगैरह हो गया, बहुत सारे आपको एक लाइन से कंपनी देखने को मिल जाएगा। हिंजोड़ी फेज वन से फेज थ्री जाने में आपको कम से कम 15 से 20 IT कंपनी देखने को मिल जाएगा। उधर तो मैकेनिकल कंपनी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मैकेनिकल कंपनी है हिंजोड़ी में भी, लेकिन कुछ कंपनी है जैसे टाटा ऑटो कैम हो गया, टाटा के कुछ ब्रांच वगैरह, कुछ प्लांट वगैरह हैं, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम कंपनी आपको हिंजोड़ी में देखने को मिलेगा IT वालों के लिए। IT वगैरह आपसे IT फील्ड से हो तो आप हिंजोड़ी जरूर सर्च करो, हिंजोड़ी MIDC में। MIDC तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हिंजोड़ी जरूर एक जगह बोल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे IT कंपनी है। और दोस्तों जैसे ITI हुआ है, डिप्लोमा हुआ है मैकेनिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, मेंटेनेंस वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप हिंजोड़ी में जा सकते हो। IT कंपनी में मेंटेनेंस वालों के लिए भर्ती निकलती रहती है, चाहे विप्रो हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, या फिर माइंडट्री वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी है दोस्तों जहाँ पर मेंटेनेंस वालों के लिए कवर निकलती रहती है। और ऑफिस बॉय के लिए भी या फिर बैक ऑफिस के लिए भी हिंजोड़ी में वैकेंसी रहता है, एज ए मतलब IT कंपनी में। हाँ, जैसे 12th पास हो गया, BA वगैरह हो गया, और भी दोस्तों जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी में IT कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए, BA वगैरह के लिए, या फिर 12th वालों के लिए वैकेंसी रहता है 13,000 से 14,000, 15,000, 16,000 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। फेज़ टू में, फेज़ थ्री में, फेज़ वन में भी बहुत सारे कंपनियाँ हैं। तो ये हिंजोड़ी MIDC हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों आपका भोसी MIDC। भोसी में भी बहुत सारे कंपनियाँ दोस्तों। एक ज़माना था जब दोस्तों हज़ारों कंपनी भोसी के अंदर भी आता था, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है, अब एक एक कंपनी उठ करके अब सब सारे कंपनियां, जैसे कि हिंजोड़ी से भी कुछ कंपनियां उठ करके चाकन प्लांट आ रहा है, या फिर भोसरी से भी उठ के बहुत सारे कंपनी चाकन आ रहा है। तो अभी भी बहुत सारे कंपनियां जैसे कि महिंद्रा CI हो गया, MQR हो गया फार्मा कंपनी, महिंद्रा CI तो मैकेनिकल वालों के लिए है, MQR कंपनी फार्मा वालों के लिए है, जो कि भोसरी MIDC में है। MIDC से बहुत ही कम नज़दीक पे कंपनियां ये सब है, तो MIDC बस स्टॉप से आप आराम से जा सकते हो गेट पे वैकेंसी का पता करने के लिए, कंपनी को देखने के लिए। तो MIDC में भी, भोसरी MIDC में बहुत सारे कंपनियां है। तो और भी कंपनियां हैं, मैं कुछ कंपनी का आपको और नाम बताना चाहता हूँ। L&T का नाम आपने सुना होगा, L&T का रिसर्च सेंटर भोसी MIDC के अंदर ही आता है। उसके बाद आपको आ गया आकुड़ी और निगरी, दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दोनों का डिस्टेंस बहुत ही कम दूरी पे है। निगरी में आपको दोस्तों कंपनी मिल जाएगा, फोर्स मोटर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बजाज ऑटो देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों वहाँ पर जय हिंद कंपनी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बजाज ऑटो हो गया, उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल, और दोस्तों आपका फोर्स मोटर हो गया, जय हिंद हो गया। तीनों कंपनी गेट पे आप जा सकते हो दोस्तों। और ये कंपनी दोस्तों आकुड़ी में आपको फोर्स मोटर, आकुड़ी बस स्टॉप है ना, आकुड़ी बस स्टॉप के जस्ट बगल में फोर्स मोटर हो गया, जय हिंद हो गया, बजाज ऑटो हो गया, तीनों कंपनी देखने को मिलेगा। और तीनों कंपनी के गेट पे से ही यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होता है। अगर फोर्स मोटर में अगर आपको लगता है IT डिप्लोमा वालों को, तो इनहैंड 16,000 सैलरी देखने को मिलता है। जय हिंद में भी दोनों का एक जगह पे ही रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यू वगैरह होता है। अगर जय हिंद के लिए आप सेलेक्ट होते हो तो आपको उससे MIDC में भेजा जाता है। वैसे दो प्लांट है, अगर आकुड़ी वाले प्लांट में वैकेंसी रहता है तो वहीं पर आपको ज्वाइनिंग हो जाता है, नहीं तो आपको भेज दिया जाता है उससे वाले प्लांट में। उससे में भी बहुत सारे कंपनियां हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कौन कौन से कंपनी के बारे में बताया, चाकन MIDC हो गया, भोसरी हो गया, हिंजोड़ी हो गया, रंजनगढ़ हो गया, ये 4-5 MIDC है दोस्तों। और दोस्तों सिकरापुर एक और भूल गया था मैं, लेकिन सिकरापुर रंजनगांव के जस्ट साइड में है, सिकरापुर MIDC पड़ता है। सिकरापुर एक जगह है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ नहीं है। सिकरापुर में 2-3 कंपनियाँ हैं, मैं कुछ कंपनी का आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों जॉन डियर, अगर आप प्रॉपर जॉन डियर के लिए आते हो, डायरेक्ट सिकरापुर चले जाओ, रंजनगांव वाला बस पकड़ के, सिकरापुर वाला बस पकड़ के, वहाँ से रोड पर से जस्ट अंदर 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक कंपनी है जॉन डियर, जो कि ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। खास करके दोस्तों अगर आपका डिप्लोमा या फिर BTech हुआ है तभी वहाँ पे जाना, नहीं तो अदरवाइज वालों के लिए वैकेंसी नहीं रहता है। डिप्लोमा वालों के लिए, BTech वालों के लिए एज ए ट्रेनिंग बेस पे भर्ती चलती है। ऑन रोल सैलरी वगैरह 13,000 से 15,000 के बीच रहेगा, चाहे आपको GAT पे लगे या फिर GET पे लगे या फिर DAT पे लगे या फिर DET पे लगे। इन लोगों के लिए वैकेंसी मैक्सिमम चांस रहता है, आप गेट थ्रू भी आप वैकेंसी निकलती है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो, वो आपको टाइम डेट वगैरह सब कुछ बता देगा, कल परसों या फिर सुबह शाम, उसके अनुसार आप चले जाओ। वैसे भी दोस्तों इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाया हूँ जॉन डियर के ऊपर, आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जा सकते हो, वीडियो को देखकर एक एक चीज़ बताया हूँ। और जॉन डियर के बगल में भी सनसवाड़ी एक जगह है दोस्तों, सनसवाड़ी में दोस्तों छोटी छोटी कंपनियाँ हैं दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस से भर्ती निकलती रहती है, तो उसका मैं थोड़ा कम वैल्यू देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक कंपनी को लेकर कौन, जॉन डियर कंपनी लेकर कौन उतना दूर जाएगा, बहुत दूर पड़ जाता है दोस्तों। अगर आप चाकन आ जाओ तो पहले यहाँ पे सर्च करो, बाद में अगर नहीं मिलता है तभी वहाँ पे जाओ, कोई रेफरेंस वगैरह है तो ही जाओ, नहीं तो धूप में जाओगे, खर्चा भी होगा ट्रैवलिंग का, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। हाँ, रेफरेंस वगैरह है,
सच्ची जानकारी आपके पास कि अभी वैकेंसी चल रहे जाएंगे तो हो जाएंगे, तभी जाओ जॉन डियर के लिए। तो आपका रंजनगांव हो गया, सिकरापुर हो गया, चाकन हो गया, भोसरी हो गया, हिंजोड़ी हो गया, ये सब दोस्तों नामी कंपनियाँ हैं। अगर आप दोस्तों चाकन आ जाते हो तो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, प्रोडक्शन हो, हर किसी से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ लग जाता है। चाकन ही आना सीधी सी बात है, ये सब हार्डवेयर वाले। लेकिन दोस्तों आईटी वाले आप डायरेक्ट हिंजोड़ी जाना, चाकन आने से कोई आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। सीधी सी बात, एक दो वैकेंसी रहता है अकाउंटिंग वगैरह के लिए, तो वो पहले से फिक्स रहता है, रेफरेंस वगैरह पे रहता है, और कंसल्टेंसी वाले से थोड़ा मोरा पहुँच रहता है एचआर वाले का, तो वहीं से वो भर जाता है। एक दो वैकेंसी रहता है आईटी वालों के लिए अकाउंटिंग वगैरह में रहता है, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वगैरह से रहता है, फिर डिजाइनिंग वगैरह से रहता है। तो नहीं तो बहुत ही कम चांस है आईटी वालों को चाकन एमआईडीसी में जॉब लगने का, कोई भी एमआईडीसी क्यों ना हो गया, या फिर भोसरी, चाकन, या फिर रंजनगांव में भी। आपके लिए अच्छा जगह है ये हिंजोड़ी, आप वहीं पर ट्राई करो हिंजोड़ी एमआईडीसी में, कहीं ना कहीं वहीं पर लग जाएगा, बहुत सारे आईटी कंपनियाँ हैं। तो मैंने अभी आपको बताया चाकन एमआईडीसी, रंजनगांव एमआईडीसी, सिकरापुर, हिंजोड़ी, भोसरी, तो ये चार पांच एमआईडीसी है दोस्तों। पुणे का नामी ऑटोमोबाइल का हब है, ये सारे एमआईडीसी को कहा जाता है, सारे मैक्सिमम लोग इसी एमआईडीसी में आते हैं, कोई कोई लोग किरण गुट हो गया या फिर उड़ीसा एमआईडीसी वगैरह जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग यहीं पर आते हैं। तो आप भी सोच लो, परख लो, देख लो, बहुत सारे वीडियो देखो, मैं भी यूट्यूब पर बनाया हूँ, आप अच्छे से सब चीज़ जानकारी लेने के बाद ही किसी एक कंपनी को टारगेट करके आओ, आपका ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अपने कोर फील्ड के अकॉर्डिंग ही आना दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया हार्डवेयर मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, आँख कान मूंद के चाकन आ जाओ। चाकन में नहीं कहीं लगता है तब जाके आप भोसरी वगैरह जाओ, नहीं तो कम से कम दो चार पाँच दिन चाकन में जरूर गुजारो। चाकन में बहुत जगह, एचपी चौक है, महालुंगे है, नाने करवादी है, ये सब चीज़ों पर ट्राई करो। 100-150-200 रुपये तो आपको, 200-300 रुपये तो खर्च होगा ही शुरू में, स्टार्टिंग में, ट्रेलिंग में, जब आपको अंदाज़ा लग जाता है, पता चल जाता है, तो सब चीज़ आपको पता चल जाता है। लेकिन शुरू में कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा ट्रेवलिंग करने के लिए, पता करने के लिए, घूमने के लिए। अगर आईटी भीड़ से हो तो हिंजोड़ी जाओ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से हो तो यहाँ पे आओ, नहीं होता है तो फौरन आप रंजनगांव स्विच कर जाओ, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट होगा। रंजनगांव में बहुत सारे कंपनियाँ हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जैसे वायर पुल हो गया, आपका जाबिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर इलेक्ट्रिकल्स काम होता है जो दोस्तों, गल्स वगैरह के बहुत ही अच्छी कंपनी है जाबिल, हायर भी है, उसके बाद वायरपूल है, एलजी है, ये सब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बेस्ट जगह है। आप वहाँ पे जरूर ट्राई करो, जब भी यहाँ पे पुणे आने के बारे में सोचो। तो बहुत सारा एमआईडीसी के बारे में आपको बताया, बहुत सारे कंपनी के बारे में आपको बताया, तो कहीं ना कहीं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बात दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।